माइनस वन इंटू डी। तो एचपी, हाँ किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं और एक बार समझा देता हूँ, कोई कोई रिकॉर्डिंग अगर देखेगा और बाद में कभी तुम भी देखोगे तो, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर उसके रेसिप्रोकल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो A1, A2, A3 अगर HP में है, इसका मतलब है कि इन टर्म्स का जो रेसिप्रोकल होगा वो AP में होगा, उसे करस्पॉन्डिंग AP कहते हैं। अगर ये AP है तो इसका एक कॉमन डिफरेंस होगा D। हम मान के चलते हैं कि ये कलरफुल वाले का, हाँ पिंक वाले का, ये कॉमन डिफरेंस D है। तो nth टर्म ऑफ HP तुम निकालोगे, फॉर्मूला उसका नहीं है, फॉर्मूला 1/AN का होगा क्योंकि वो nth टर्म ऑफ AP है। HP का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, वो हर फॉर्मूला उधार लेता है। तो 1/AN इज इक्वल टू 1/A1 प्लस n माइनस 1d। ठीक है, चलो यहां तक कोई लिख रहा है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। मैं टाइमर वाला निकाल लेता हूं। सर बोल नीलम। सर मतलब जब हम nth टर्म ऑफ कोई एचपी लेंगे तो वो उसके इनवर्स मतलब उल्टे वो एपी टर्म्स के वही nth टर्म लेंगे ना? हाँ, मतलब जब भी एचपी का सम होगा 90% टाइम उसे एपी में चेंज करते हैं, आया समझ में? तो इसीलिए मैं एचपी में, मुझे ज्यादा नहीं पढ़ाना है तुम्हें, क्योंकि एचपी देख के तुम्हें डरना नहीं है। एचपी मतलब उसका रेसिप्रोकल एपी में है, तो उसका रेसिप्रोकल सीरीज ले लो। सर आप क्या ऑफलाइन क्लासेस शुरू करेंगे? अक्टूबर से तो शुरू कर दूंगा। अच्छा, वो दुर्गा पूजा के बाद क्या? वो मैं तुम लोगों से पूछूंगा, क्योंकि उसको बहुतों का स्कूल का भी एग्जाम चल रहा होगा मेरे ख्यालों में। हाँ सर, अगर कईयों के स्कूल का एग्जाम चल रहा होगा तो दुर्गा पूजा के बाद ही शुरू करूंगा। ठीक है, और नहीं सेम टाइमिंग सेम रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, जो टाइमिंग अभी चल रहा था इसी टाइमिंग को लेके जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक रिकॉर्डेड क्लास अपलोड होगा, हाँ, तो इसलिए वो उस चीज के लिए घबराना नहीं है किसी को। अगर मैं देखता हूँ, हाँ ये अगर रिकॉर्डेड क्लास है तो अक्टूबर से ही शुरू कर सकता हूँ। जो लोग नहीं आ पाएंगे वो रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे, और जो आ पाओगे ठीक है वो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। मैंने कहा मैं 24th, हाँ क्योंकि नेक्स्ट वीक से होगा। तो आगे चलता हूं। प्रॉब्लम, इफ थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन आर 1/3, 1/5 एंड 3/2003, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। तुम लोगों को मैं एक काम बोलता हूं, हल्ला होगा, इसी को तुम अल्टरनेट क्वेश्चन बोलो। हाँ, एपी के टर्म में क्या बोलोगे? सेम सम अगर एपी के टर्म में एनसीईआरटी में होता तो क्या बोलते? इफ थर्ड टर्म, इफ थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर क्या क्या? 3/5 and 2003। तो मुझे क्या बोलते हो, क्या ये क्लास 10th लेवल का सम नहीं है? क्योंकि ये थर्ड टर्म है तो कैसा दिखेगा? ये a प्लस ट्वाइस t इज इक्वल टू 3, ये कैसा दिखेगा? a प्लस 4d इज इक्वल टू 5d। और ये कैसा दिखेगा, क्योंकि ये क्या है, ये लास्ट टर्म है, तो a प्लस क्या n माइनस 1 इज इक्वल टू, छोड़ दूं, इस दोनों से a और d निकाल लोगे और इससे n निकाल लोगे। मगर याद रखना, ये छोटा सा चीज बोल रहा हूँ कि एपी में जब आंसर निकलेगा, जो फाइनल आंसर यहाँ पे नहीं, फाइनल आंसर एचपी में करने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देना होगा, नहीं क्या? जैसे सपोज इसी समय पूछता कि फाइंड 100 टर्म, तो 100 टर्म तुम इसी टाइप से निकालते, ए 100, सपोज वो तुम्हें 3000/312 मिलता, तो आंसर ये नहीं होता, आंसर क्या होता, 312 बाय क्या? क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो एचपी में काम नहीं कर रहे हो, काम किस में कर रहे हो, करस्पॉन्डिंग
कॉरस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में काम कर रहे हो, कॉरस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर काम कर रहे हो तो नंबर ऑफ बाकी एचपी में लेके जाने के लिए तुम उसे रिवर्स कर दोगे। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। एन का वैल्यू 100 आता है किसी को, ए 5/3 आता है, डी 2/3 आता है। तो मैं एक्चुअली में ऐसे सब में ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूं, वो सम जो डायरेक्टली एपी के टर्म में चले जाते हैं, मैं वो सम करवाऊंगा जिसमें हाँ थोड़ा कुछ करना पड़े। आगे चलूं? यस सर। ठीक है, प्रॉब्लम इफ ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, find the value of b plus a by b minus a plus b plus c by b minus c a 1 b 2 c twice b a plus c। सम लिखना है तो लिख लो, 20 seconds दे रहा हूं। लास्ट पेज एक बार दिखा सकते हैं? हाँ सर, हो जाएगा। थैंक यू। नहीं, अक्टूबर 1st से ही शुरू कर दूंगा। हाँ, तुम लोग का क्लास वो, क्योंकि रिकॉर्डिंग चलेगा, जिन लोग को आना है वो आओगे। हाँ, आगे आगे चल रहा हूं। इफ ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अगर ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो ए को मैं 1/A ले लेता हूं, बी को 1/B और सी को 1/C, तो क्या फायदा हुआ तब? कैपिटल ए बी सी किस में हो गया? एपी में। तो एक एल्गोरिथम है रे, जब तुम्हें एचपी का कोई एक्सप्रेशन मिलता है उसे तुम चेंज कर दो इन एक्सप्रेशन ऑफ एपी। सर मतलब बताता हूं, तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है? b प्लस ए बाय बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाय बी माइनस सी। अगर तुम इसे चेंज कर दोगे कैपिटल ए बी सी में तो ये क्या हो जाएगा? 1/B प्लस 1/A बाय, क्या ये समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? मैं सबको इसमें इसलिए चेंज कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा ए बी सी जो है वो किसमें है? AP में है। तो अगर तुम इसे एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? ऊपर बनेगा a प्लस बी, नीचे बनेगा a माइनस बी, ऊपर बनेगा c प्लस बी, नीचे बनेगा c माइनस बी। क्या तुम अगर ए बी सी एपी में है तो a माइनस बी कुछ स्टैंडर्ड चीज था? माइनस डी। तो a माइनस बी जो होगा वो माइनस लैम्डा होगा, अगर लैम्डा जो है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो c माइनस बी भी क्या हो रहा है? लैम्डा कॉमन डिफरेंस है रे एपी का, इस वाले एपी का। हाँ, तो अगर मैं 1/λ निकाल लूं तो क्या मिलेगा? सी प्लस बी माइनस ए माइनस बी, क्या फायदा? बी बी कैंसिल हो गया, क्या मिला? 1/λ सी माइनस ए। तो सी माइनस ए क्या होगा कोई बोलेगा तब? क्या सी माइनस ए 2λ नहीं होगा? क्योंकि लैम्डा जो होगा वो कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी है। तो हेंस क्या मिला? 1/λ इंटू 2λ। मैं रियली सम के सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इस लॉजिक में इंटरेस्टेड हूँ। ये जो फर्स्ट लाइन का लॉजिक है, ये समझ में आया मैंने क्या किया? ठीक है, क्या किया मैंने? मैंने जो चीज पूरे एचपी के टर्म में था उसे मैंने किसके टर्म में चेंज कर दिया? एपी के टर्म में, ताकि चीजें आसानी से सॉल्व हो पाए। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सम तो लिख ही लिया होगा, ये लिख।
आगे निकलूं या लिख रहे हो? थोड़ा रुकिए, ठीक है लिखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ लिखो, इसे मैं आ रहा हूँ। आगे चलूं? चलो इफ एक्स इज इक्वल टू वन, वाई ग्रेटर देन वन, जेड इज ग्रेटर देन वन, आर इन जीपी, देन If x is equal to 1, y greater than 1, z greater than 1, r in gp, x, y, z, gp में है, तो log e x e, log e y e और log e z e किस में है, मुझे ये निकालना है। सम लिखना है तो लिख लो, 20 seconds देता हूँ। सर बोलते जा, सुन रहा हूँ नीलम। सर वो प्रीवियस सम में वो एक स्टेटमेंट आप समझा सकते हैं? दो मिनट रुक जा, 20 seconds रुक जाऊँ इसके लिए, फिर बोलो। सर वो जो येलो वाला पार्ट है ना, वो मतलब आपने येलो वाला नहीं सर, वो ऊपर जो एबीसी एचपी में है, सो आपने फिर बड़े वाले एबीसी को एपी में मान लिया, वो वाला क्यों? वो तो रेसिप्रोकल नहीं हो गया क्या? तो 1/a, 1/b, 1/c वही तो एपी में होगा ना? नहीं नहीं, एबीसी अगर एचपी में होगा तो ए 1/a हो जाएगा ना, तू कंफ्यूज कर रहा है। ये कैपिटल ए है, 1/b तो 1/b हो जाएगा, आया समझ में? हाँ हाँ सर, अभी आ गया। ठीक है, ये अभी स्मॉल में है ना, तो इसलिए ये ab, अब आया समझ में? हाँ सर आ गया। ठीक है, क्योंकि 1/a, 1/b, 1/c, एबीसी एचपी में इसका मतलब क्या हुआ? 1/a, 1/b, 1/c किस में होगा? एपी में। इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल एबीसी किस में होगा? एपी में। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड किस में है? जीपी में। क्या कोई एक रिलेशन था? अगर x, y, z GP में है तो एक रिलेशन था, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों? इसमें एक चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। क्या यहाँ पे बेस अलग है और आर्गुमेंट सेम है? मगर ये बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या log exe को क्या लिखा जा सकता है अगर 1/ करूंगा तो? log exe लिख सकता हूं। यस सर। ठीक है, मतलब ये सम करने से, ये सम तुम्हें अप्रोच करने से पहले ये जानना होगा कि हाँ ऐसा सम हम लोगों ने लॉग में देखा था कि वी डू नॉट लाइक लॉग इजेड जी। कि यहाँ पे तुम्हें ये चीज ऑब्जर्व करना होगा कि यहाँ पे बेस डिफरेंट है और आर्गुमेंट सेम है, और ये होने से ही मेरे ख्याल में एक एल्गोरिथम तुम्हारे दिमाग में डायरेक्टली आता था कि जैसे log exe को क्या लिख सकते हो? 1/ log ex, और इसे क्या लिख सकते हो? 1/ log ee प्लस क्या? log ex, log ee का वैल्यू क्या हुआ? 1/ log ex। हाँ, और 1 है, मैं जानता हूं वो 0 होता है, मगर मैं उसे यूज नहीं कर रहा हूं, तो मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो अब मैं शुरू कर रहा हूं। क्या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन ये है कि एक्स वाई जेड किस में है? जीपी में। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो दोनों साइड में अगर मैं लॉग ले लू, बेस अगर ये है तो मैं उसे एलन कहता था, तो अगर एलन ले लू तो एलन एक्स जेड, इसमें क्या फॉर्मूला आएगा? क्या टू बाहर आ जाएगा? हाँ, क्योंकि वाई पॉजिटिव है, और ये क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म एलन एक्स जेड।
ln x प्लस, क्या ये किसी का टर्म था, इससे क्या बोल सकते हो? तो ice b is equal to a plus c मिलने से क्या बोल सकते थे? तो ये तो ये वाला पैटर्न है ना, तुम्हें वो पैटर्न देखना होगा कि ये कौन सा पैटर्न है। तो ये पैटर्न से तुम बोल सकते हो कि ln x, ln y और ln z किस में है? ln z ap में, in ap। अब आगे चलते हैं, मगर मुझे ln x केवल नहीं चाहिए, मुझे उसके साथ 1 प्लस चाहिए। ap का एक प्रॉपर्टी था कि अगर तुम 1 को ऐड करोगे तो क्या चीजें ap में रहेगा, हाँ या ना? यस सर, रहेगा। हाँ सर। 1 प्लस ln y, 1 प्लस ln z इन ap, 1 के बदले क्या लिख सकते हो? ln e प्लस ln x, ln e प्लस ln y, ln e प्लस ln z किस में होगा? ap में होगा। तो दिस इंप्लाइज, इसे कुछ लिख सकता हूं, ln e x, ln e y और ln e z किस में होगा? ap में। तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा? hp। अगर ये HP में होगा, ये ऊपर जाके क्या बनेगा? ये किस में आया? HP में। तो आंसर क्या आया? आंसर HP आया। तो मेरे ख्याल में दो तीन चीज रिजल्ट जानना भी चाहिए। हाँ, पहले वो रिजल्ट लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद ये लिख लेना, ठीक है? ये तो फिर एक रिजल्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर्स हैं और एक्स वाई जेड अगर जीपी में होगा, तो जब तुम इसका लॉग किसी भी बेस में लोगे, लॉग ए एक्स, लॉग ए वाई, लॉग ए जेड, अभी तुमने देखा था किस में आएगा, तब क्या बोला था मैंने? लॉग ए जेड इन क्या हो जाएगा? एपी। रिमेंबर इट, आया समझ में? नंबर टू, अगर एक्स वाई जेड एपी में होगा तो क्या फॉर्मूला था? ट्वाइस वाई, ये तो याद होगा तुम लोगों को। जीपी में था तो क्या था? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। अब एचपी के लिए भी एक फॉर्मूला था, हाँ, y is equal to twice xz by x plus z। मेरे ख्यालों में AB में लिखने में तुम्हारा ब्रेन ज्यादा काम करेगा, क्योंकि इसे तुम नॉर्मली AB में लिखते हो। मतलब अगर ABC है, अगर ABC AP में होगा तो क्या था? twice b is equal to a plus c, GP में होगा तो b square equal to AC, और HP अभी आज नया चीज मिला तो b is equal to twice AC by क्या? a plus c। सर कहां से आता है? रेसिप्रोकल से आता है। तो ये दो को तुम लोगों को याद रखना है। Remember। अब आराम से किसी को लिखने का मन है लिखो, फिर आगे चलते हैं। सम तो तुम लोगों ने लिखा होगा, सम लंबा है, मैं दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से लिखो, या डेढ़ मिनट का टाइम दे रहा हूँ, चाहिए होगा तो और दे, इस पेज के लिए और नीचे के लिए दे दूंगा टाइम। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कहीं कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। खूब मेहनत करो, सर थोड़ा नीचे ले जा सकते हैं। चलो और लिख, और टाइम चाहिए होगा ना, दे दो 45 सेकंड।
आगे निकलूं सर? एक सेकंड सर, वो नीचे थोड़ा सा। हाँ सर, सर हो गया सर। लाइन नंबर 7 में आपने जो लिखा वो AHP है? AHP नहीं है, ये कट गया। HP है ना वो? आगे निकलूं? खिला के बनाऊं? चलो ठीक है। सब सम को पूरा नहीं करूंगा रे। इफ, ये सब को करने का जरूरत भी नहीं है, तुम लोग समझ में आ जाओगे क्यों बोल रहे हो। इफ रूट्स ऑफ 10x क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस 54x माइनस 27 इक्वल टू जीरो आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फाइंड सी सॉल्यूशन। यार हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अपना थ्योरी ही नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अपना थ्योरी ही नहीं है, तो क्या करूं? क्या मैं इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा लगा सकता हूं जिससे मुझे अच्छा लग जाए? हाँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं क्या, अगर मैं x को 1 बाय x से रिप्लेस कर दूंगा क्या फायदा होगा? अगर x को 1 बाय x से रिप्लेस कर दूंगा, ये 10 बाय x क्यूब माइनस c बाय x स्क्वायर माइनस 54 बाय x माइनस 27 इक्वल टू जीरो, अगर एलसीएम लूंगा तो ये मिलेगा 27x क्यूब प्लस 54x स्क्वायर प्लस cx माइनस 10 इक्वल टू जीरो। अब मुझे बोलो, अगर इसके तीन रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं तो इसके रूट्स क्या होंगे? क्या यार इसमें किसी को प्रॉब्लम है? क्योंकि खेला खत्म हो चुका है, क्योंकि तुमने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और ये किसमें है तब? वन बाय अल्फा, वन बाय बीटा, वन बाय गामा किसमें है? क्योंकि ये एचपी में है, तो ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो इसका मतलब है ये कैसा दिखेगा, ए माइनस डी जैसा, ये कैसा दिखेगा? और मैंने मुझे तुमसे पूछना था, चलो तब भी पूछ लेता हूं एक बार, समझ में आ रहा है? क्योंकि सम ऑफ द रूट तुम जब लगाओगे तो कौन सा अच्छा होगा? सम ऑफ द रूट जब लगाओगे मतलब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा, तो ये माइनस 54 बाय 27 होगा। तो इसलिए अगर सम ऑफ द रूट लगाते हो तो क्या बोलते हो, ए ए प्लस डी और ए प्लस 2d अच्छा है या ए माइनस वाला अच्छा है? मैंने तो लिख ही दिया था, तब भी मुझे एक बार बोल दो कौन सा लेना अच्छा है, ए प्लस डी और ए प्लस 2d वाला ज्यादा अच्छा है या ए माइनस डी ए और ए प्लस डी अच्छा है? हाँ, ये क्यों अच्छा है? जब सम रहा तो डी डी का, हाँ भाई मुझे सुनना है वो चीज। हाँ मुझे सुनना है वो चीज, ऑनलाइन क्लास में ये सुनना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसलिए क्या लोगे आगे छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था मैं आगे नहीं कराऊंगा। इज इक्वल टू ए प्लस डी, पुट अप कर देना, ए का वैल्यू निकल जाएगा, सम ऑफ द रूट ले लेना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ले लेना, उससे डी का वैल्यू निकल जाएगा, खेला खत्म, उससे सी निकाल लेना। ठीक है, सेम सम को मैं दे दूंगा, एक बार ट्राई करके देख लेना, आंसर आ जाएगा जीएमपी में। सर हम यहाँ पहले रूट्स निकाल के फिर रेसिप्रोकल नहीं कर सकते? रूट्स कैसे निकालोगी, वो तो निकाल ही नहीं सकती हो ना, क्योंकि सी एक्स स्क्वायर है। आगे निकलूं? यस सर। चलो थोड़ा है तो लिख लूं। हाँ बोल सर। मतलब ऊपर वाले में ही अगर हम अल्फा बीटा लेकर उसको 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा ऐसे करते थे, अब वो ज्यादा लंबा नहीं होता क्या? हाँ एक बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखते, फिर
अल्फा को वन बाय वो लेते, बीटा को वन बाय फिर रेसिप्रोकल करते, उससे अच्छा है क्योंकि ठीक है। और देखो सुनो, हाँ और एक चीज बताता हूँ, वो अच्छा है, हो सकता है कि क्योंकि अधिका ने भी वो चीज पूछा था, हो सकता है उसने भी वही चीज पूछा हो, हाँ रूट्स निकालने वाला बात, तो मेथड दो तीन हो सकता है। मगर मेरा क्या होता है, मैं जब तुम्हें पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो अगर ये तो अगर मैं ऐसे कराऊं तो इससे फायदा क्या है कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का रिविजन करा दिया। अरे ट्रांसफॉर्मेशन एक चीज होता है, तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो कई बार मैं थोड़ा लंबा मेथड भी कभी कभी बता सकता हूँ, या ये लंबा मेथड नहीं है मगर कोई दूसरा बता सकता हूँ। मेरा रीजन ये है कि मैं दो चीज को मिला के बता देता हूँ तो एक रिविजन भी हो जाता है छोटा सा, आगे निकल रहा हूँ, ठीक है। वो भी कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और वो, तो आगे निकल रहा हूं, ठीक है। प्रॉब्लम, इफ ए बी सी बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन ए माइनस बी बाय टू, बी बाय टू एन, सी माइनस बी बाय टू विल बी इन A A P, B G P, C H P, D none of these. आगे चलूं? अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, A B C किसमें? A B C H P में है। तो सम लिखने का टाइम देना चाहिए ना, 20 सेकंड सम लिखने का एक टाइम दे रहा हूं। सम लिखने से क्या होता है कि ब्रेन में चीजें गिरता है। चल आगे निकलते हैं। अगर ए बी सी एच पी में है तो मैंने अभी थोड़े पहले बोला था बी का वैल्यू था, तो आई सी सी बाय क्या ए प्लस सी, ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। बी किसके टर्म में आ रहा है, ए और सी के टर्म में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन टर्म दिया हुआ है, पहला टर्म क्या है जिसके बारे में कुछ पूछ रहा है, ए माइनस बी बाय टू, तो इसे क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी के बदले क्या लिख सकते हो यहां से, तो आई ए सी बाय ए प्लस सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी बाय टू है तो डिवाइडेड बाय टू होगा, तो ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय ए प्लस सी, ठीक है। वैसे ही बी क्या है, बी तो केवल बी बाय टू है, तो ये क्या हो गया ए सी बाय क्या ए प्लस सी, और सी क्या है सी माइनस बी बाय टू, तो सी माइनस ए सी बाय ए प्लस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय ए प्लस सी, तो ये किसमें है कोई बोलेगा, ए स्क्वायर बाय ए प्लस सी, ए सी बाय ए प्लस सी और सी स्क्वायर बाय ए प्लस सी, ये किसमें है, ए पी जी पी एच पी, सर जी पी, जी पी में है। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि अगर तुम इसको और इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, सी बाय जी पी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, सी बाय। तो किसी को डाउट है जीपी में तो डिवाइड करके देखे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है, या मल्टीप्लाई करके देखे, वो तुम्हारे ऊपर है। मिडिल वाले को मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए प्लस सी, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे बढ़ूंगा। अरे एग्जाम में आता है तो ऐसे नहीं करोगे, एग्जाम में आएगा तो ऐसे नहीं करोगे, क्यों सर, ए को वन ले लेना, बी को वन बाय टू ले लेना, सी को वन बाय थ्री, समझ में आ रहा है किसमें आया, कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, वन वन बाय टू वन बाय थ्री, ये एचपी में है। अब ए माइनस बी बाय टू, बी बाय टू और सी माइनस बी बाय टू का वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा, याद रखना ये हर समय कर सकते हो। सर ये मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए।
आगे निकलूं? चलो चलो तो सपोज ए, जब तुम ए बी सी कोई नंबर लिखते हो, जब तुम ए बी सी ये अगर एचपी में होता है तो मिडिल वाले को तुम अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन कहते हो, एचएम हार्मोनिक मीन ऑफ ए एन सी, जो हम लोगों ने जेमेटिकल मीन में भी पढ़ा था। तो अगर तुम्हें याद है तो अगर ए और बी तुम्हारे पास दो नंबर है तो एक बार रिवाइज हो जाए, अर्थमेटिक मीन क्या था? ए प्लस बी बाय टू। जेमेटिकल मीन क्या था? रूट ऑफ। ये तभी अगर ए पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव और बी नेगेटिव होने से मगर तब जेमेटिकल मीन हम लोग माइनस रूट ए भी लिखते हैं रे, क्योंकि तब जेमेटिकल मीन भी नेगेटिव होना चाहिए था। और हार्मोनिक मीन अभी तुम लोगों ने देखा मिडिल वाला, तो बी यहां से हम मानते हैं कि बी को क्या लिखते थे, ट्वाइस ए सी बाय क्या, ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए सी बाय ए प्लस सी, और यहाँ पे बी है तो इसलिए ये ट्वाइस ए बी बाय बी प्लस सी, ट्वाइस ए बी बाय बी प्लस ए प्लस बी। किसी को लिखना है तो लिख लो, मगर इसमें एक करेक्शन मुझे करना है, सॉरी हाँ, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ऊपर ए सी है नीचे ए बी है। अगर ए एक्स बी एच पी में है तो ये जो मिडिल टर्म है उसको कहते हो हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, और x का फॉर्मूला अभी हमने देखा था ट्वाइस ए बी बाय ए प्लस बी आया था जो ए बी सी में मैंने दिया था। तो ये तीन चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैंने एक इनइक्वालिटी करवाया था याद है ए एम जी एम में, क्या करवाया था कोई बोलेगा? ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, जी एम, एंड जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम भी होता है। अब जी एम एच एम वाला खुद प्रूफ करके देखना, जैसे ए एम जी एम में मैंने किया था वहीं से आ जाता है, मगर ये तभी होगा अगर ए और बी पॉजिटिव होगा। ठीक है सर, कहां से आता है? ठीक है एक बार चलो दिखाई देता हूं, वो ज्यादा बेटर है। ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम मैंने तुम लोगों को दिखा दिया था, ये था अपना ए प्लस बी बाय टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ए बी। अब मुझे क्या दिखाना है, जी एम एच एम से बड़ा है, तो जी एम का मतलब क्या हुआ, रूट ओवर ए बी किससे बड़ा होगा, एच एम का वैल्यू क्या था, ट्वाइस ए बी बाय क्या, ए प्लस बी। क्वेश्चन में अगर ए बी, क्योंकि सब पॉजिटिव नंबर है तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो या नहीं, पॉजिटिव नंबर में तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें और इसमें तुम्हें किस चीज का जरूरत है मुझे बोलो। अब एकदम बेकार क्वेश्चन है मेरे ख्यालों में कि तुम्हें ये चाहिए तो किस किस चीज का जरूरत है, ए बी का। तो अगर ए बी पॉजिटिव है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ए बी बाय रूट ओवर ए बी ग्रेटर देन कितना आया, तो आइस ए बी बाय ए प्लस बी, तो हेंस ये क्या आया, रूट ओवर ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, तो आइस ए बी बाय ए प्लस बी, तो हेंस क्या आया, जियोमेट्रिकल मीन किससे बड़ा आया बोलो, हार्मोनिक मीन से। तो हेंस दोबारा मुझे लिख रहा हूं क्या, अर्थमेटिक मीन किससे बड़ा होगा, जियोमेट्रिकल मीन से, जियोमेट्रिकल मीन किससे होगा, और इक्वलिटी कब ऑकर होगा याद है, कुछ मैंने लिखवाया था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इक्वलिटी ऑकर्स इफ क्वांटिटीज आर इक्वल, क्वांटिटीज आर इक्वल मतलब अगर ए इज इक्वल टू, डेट इज ए इज इक्वल टू बी हो। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो नहीं मगर नेक्स्ट क्लास में एपीजीपी खत्म हो जाएगा, और मैं लिमिट्स कराऊंगा हाँ, क्योंकि फिर स्टेट लाइन जब शुरू करूंगा तो स्टेट लाइन के एंट्रेंस में भी चले जाऊंगा हाँ, तो लिमिट्स करवाऊंगा बोर्ड लेवल में, मुझे दो क्लास जरूरत है लिमिट्स में, दो क्लास का जरूरत पड़ेगा मुझे, तो लिमिट्स खत्म करवा दूंगा पहले।
लिख लिया और सर टाइमर देना भूल गया, सॉरी हाँ मैं दे रहा हूँ 1.5 मिनट का टाइमिंग, लिखो तो मैं आ रहा हूँ। आगे निकलूं? सर थोड़ा रुकिए। हाँ सर हो गया। ठीक है चलो थोड़ा टाइम भी है थोड़ा सा। निकलूं? तो हो गया। The harmonic mean of roots of the equation 3 minus root 2 x square minus 2 plus root 2 of x plus 6 plus 2 root 2 is equal to 0 is। मेरे ख्याल में एकदम बेकार समय क्यों? अब इसमें इसका रूट मत निकाल लेना रे, इसका हार्मोनिक मीन निकालने बोल रहा है। तो अगर मैं मानता हूं इसका रूट अल्फा बीटा है तो हार्मोनिक मीन क्या होगा तब? तो आइस अल्फा बीटा बाय क्या? तो अब अल्फा बीटा तो जानते हैं ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना मिला 6 प्लस 2 रूट 2 बाय क्या 3 माइनस रूट 2, और अल्फा प्लस बीटा क्या मिला सम ऑफ द रूट। तो क्या आया समझ में ना? मेरे ख्याल में सबको आया होगा नहीं क्या? कैंसिल कर दो, रैशनलाइज कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जरूरत नहीं है। हाँ तो जरूरी नहीं है कि रूट निकालोगे। हाँ तो चीजों को याद रखोगे कि हार्मोनिक मीन का मतलब क्या था। आगे निकलूं? छोटा सा सम था इसलिए बोल रहा हूं। हो गया? यस सर। आगे निकल रहा हूं। हाँ चलो, तो वैसे ही और एक लॉजिक था क्या, इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन। एग्जैक्टली वही क्या कि लेट एच वन एच टू एच थ्री डॉट डॉट एच एन आर हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। इस लैंग्वेज का मतलब था ए एच वन एच टू एच एन और बी आर इन क्या एच पी। इंसर्शन ऑफ ए पी हमने बोर्ड लेवल में किया था, मगर अगर ये एच पी में है तो इससे तो कोई रूल बनेगा नहीं। क्या करना होगा, सबको रेसिप्रोकल कर लेता हूं, और सबको अगर मैं रेसिप्रोकल कर लूंगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आर इन एपी। तो ये इसका कौन सा टर्म होगा, वन बाय बी। यहां पे टोटल कितने टर्म्स हैं, एन प्लस टू एन टर्म्स, तो इसलिए यहां पे टोटल टर्म्स कौन से हो गए, टोटल एन प्लस टू टर्म्स है, तो बी लास्ट टर्म है तो ये एन प्लस टू टर्म होगा। तो इसलिए वन बाय बी कैसा दिखेगा, क्योंकि ये एन प्लस टू टर्म है तो वन बाय प्लस क्या n प्लस टू माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी।
तो डी कैसा दिखा, ए माइनस बी बाय ए बी एन प्लस वन, ये डी दिखा। तो अगर ये डी दिखा तो वन बाय एच वन कैसा दिखेगा। अब वन बाय एच वन निकाल सकते हो ना एपी से, क्या इसका फर्स्ट टर्म क्या है वन बाय, मैं फिर से कह रहा हूं मैं सब कुछ एपी में कर रहा हूं रे, वन बाय एच वन जो है वो किसका सेकेंड टर्म होगा, एपी का या एचपी का, एपी का, और उसका फर्स्ट टर्म क्या है वन बाय ए है, इसलिए ये कैसा दिखेगा वन बाय ए प्लस डी। वैसे ही वन बाय एच टू में निकाल सकते हो, क्या मिलेगा वन बाय ए प्लस टू डी, वो सब बेकार है, वो सब तुम लोग निकाल के देख सकते हो। इसमें अब मैं एक रिजल्ट दे रहा हूं, हाँ इसमें जब तुम सबको प्लस करोगे, और वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो तुम लोग करके देखोगे, सब हार्मोनिक मीन को तुम प्लस कर सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ, जब सब हार्मोनिक मीन को प्लस करोगे तो ये तुम्हें मिलेगा n टाइम्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए बी। केवल ये टर्म किस कुछ था क्या, जरा ध्यान से देखो तो HM का उल्टा है। HM का उल्टा AB, AB से अगर मैं हार्मोनिक मीन, केवल सिंगल हार्मोनिक मीन का बात बोलूं तो वो क्या था, ट्वाइस AB बाय क्या A प्लस B, तो ये क्या मिल जाएगा N टाइम्स ऑफ क्या हार्मोनिक डिवाइड। तो मुझे एक ये एक रिजल्ट है रे, क्या रिजल्ट ये है कि इफ H1 H2 डॉट डॉट HN आर डायरेक्टली लैंग्वेज में लिखता हूं, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल एन हार्मोनिक मींस इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू एन टाइम्स द reciprocal of single harmonic mean between a and b, that is क्या मैंने क्या बोलता बताया कि 1 by h1 plus 1 by h2 dot 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 1 by hn क्या होगा n into reciprocal of harmonic mean, मतलब twice ab by क्या a plus b। यहां तक किसी को लिखना है तो लिख लो, काफी कुछ बताया है तो फिर आगे चलता हूं। वो रिजल्ट को याद रखना क्योंकि अब समझ में आ जाएगा क्यों मैं बोल रहा हूं रिजल्ट याद रखने के लिए, पहले लिख लो। थोड़ा सा मेहनत करो, बहुत ज्यादा दे सकता हूं, हिंट देना शुरू कर दिया है। एक छोटा सा चीज था, मैं मान जीएमपी वन से देता तो ज्यादा अच्छा होता मुझे लग रहा है, ठीक है, एक छोटा सा चीज था मेरे दिमाग में आया नहीं था कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन रहता ही है तो उसमें अगर मैं हिंट भी दे दूंगा तो मतलब करने का और एक बहाना मिल जाता है, बस और कुछ नहीं है। अब तुम लोगों में से कोई लोग जीएमपी प्रैक्टिस नहीं करते हो, बोलते हो सर क्यों सर टाइम नहीं मिलता है, मैं मानता हूं रे जीएमपी में मैं काफी सम देता हूं, मगर क्या एक सम भी नहीं कर पाते हो सर, एक सम करके क्या फायदा है, एकदम सही है, मगर आज अगर मैं एक साल के बाद तुम्हें बोलूं कि यार तू और तेरे दोस्त ने तुझसे 300 ज्यादा सम किया था तो तुम्हें खराब लगेगा ना, अरे 300 ज्यादा सम किया था। अगर हर दिन भी एक सम करते हो ना रे तो 365 सम्स तुम एक्स्ट्रा कर रहे हो, दो सम करने से डबल हो जाता है, तीन सम करने से ऑलमोस्ट 1000 सम्स तुम पूरे ईयर में एक्स्ट्रा कर रहे हो। अरे 1000 तो मेरे ख्याल में जब तुम प्रॉब्लम बुक किसी कोई प्रॉब्लम बुक खरीदोगे ना उसमें 1000 प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हर केवल तीन सम अगर कर रहे हो तो 1000 के आसपास पहुंच रहे हो, मतलब 3 डिजिट में पहुंच रहे हो जो बहुत बड़ी बात है। तो नहीं करने से हर समय करना अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ नहीं सर मैं नहीं करता हूं, क्यों, क्योंकि सर आप 13 सम्स देते हो, मैं 13 सम्स नहीं कर पाता हूं, क्या तुम एक भी नहीं कर पाते हो,
एक का भी टाइम नहीं मिलता है। अरे यार ब्रश करते करते ही एक सम हो जाएगा। एक काम करो, सुबह ब्रश करते वक्त एक सम करो, रात को ब्रश करते वक्त एक सम करो, दो सम तो हो गया। आप थोड़ा नीचे चलो, ठीक है, और रात को सोने से पहले एक सम कर लो, तीन सम हो गया, साल में 1000 सम हो गया। साल में 1000 सम कम है क्या रे? एक्स्ट्रा 1000 सम करना, एटलीस्ट नहीं से तो अच्छा है ना, जीरो से तो अच्छा है ना। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। माने कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर को समझो। आगे निकलूं? चलो चलो, तो जैसे अगर मैं तुमसे प्रॉब्लम पूछूं, लास्ट लाइन निकल गया था। तो अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि प्रॉब्लम जैसे अगर ये आ जाए कि बिटवीन 1 and 1/50, if 50 harmonic mean are inserted, then find summation r is equal to 1 to 50 1/HR। और HR समझ में आ रहा है, कई बार हम लोग मान के चलते हैं कि स्टैंडर्ड सिंबल है या हार्मोनिक मीन्स है। तो क्या कोई रिजल्ट था रे? बोलो, कोई बोलेगा a का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 1/50 है, तो क्या अभी मैंने कोई रिजल्ट दिया था? ऑनलाइन क्लास है, बोलोगे तो अच्छा लगेगा। 1/HR मतलब 1/H1 से लेके 1/H50 तक क्या रिजल्ट दिया था? N डिवाइडेड बाय क्या? कैपिटल H, यही दिया था ना। तो इससे कैपिटल H कैसे निकलेगा? कैपिटल H क्या था? ट्वाइस AB बाय क्या? A प्लस B। तो 2/50 बाय क्या? 1 + 1/50 इज इक्वल टू क्या? 2/51। एन क्या है यहाँ पे? एन क्या है? 50. तो एन 50 है, तो इज इक्वल टू, तब ये क्या हो जाएगा? 50 × 1/H क्या हो जाएगा? 51/2 इज इक्वल टू कितना? 25 × 51। निकालना तुम्हारा काम है। तो देखो, अगर रिजल्ट याद है तो कितना छोटा सम है, और अगर रिजल्ट याद नहीं है तो तुम मीन्स निकालने के लिए जाओगे, लिखना है तो लिख लो। मतलब ये 100% रिजल्ट ओरिएंटेड सम है। सर ऑनलाइन ऑफलाइन स्टार्ट होने से क्या क्या आप वहां से लाइव नहीं कराएंगे? लाइव क्लास तो कैसे पॉसिबल है तब? और क्लास के अंदर कैमरा लगाने से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मगर कह नहीं पाऊंगा। अगर टाइम मैनेज नहीं करूंगा तो मुझे वो करना होगा, मगर क्लास के अंदर कैमरा लगाने से सर, क्योंकि अगर आप 1st October से देंगे तो तब हमारा टेस्ट चल रहा होगा। ऑनलाइन है या ऑफलाइन टेस्ट है? सर ऑनलाइन है, तो फिर भी घर में तो फिर भी। ऑब्जेक्टिव है ना? यस ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। मैं रिकॉर्डेड क्लास दूंगा,
ठीक है, क्योंकि देखो होता ही है कि लाइव क्लास में यहाँ पे वहां दो प्रॉब्लम है। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि मैं वहां पे तुम लोगों जो स्टूडेंट लाइव क्लास देख रहे हैं मैं उनके लिए रुक नहीं पाऊंगा, मैं ब्लैकबोर्ड मिटा दूंगा जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स होंगे। हाँ, सेकंड क्या बात होता है कि कई बार स्टूडेंट्स से हम लोग ऐसा बात बोलना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग में आए, ठीक है, ताकि मतलब एक बॉन्डिंग तब होता है कि हाँ हर एक चीज अगर रिकॉर्डिंग में आ जाए, हर एक चीज अगर ठीक है हो ही जाए, तो फिर वो बॉन्डिंग आने में मुश्किल होता है। कई बार ऐसे बातें हम लोग करते हैं सर, लेकिन आप अगर कैमरा नहीं रखेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर? रिकॉर्डिंग नहीं होता है मेरा अभी, जैसे मैं क्लास 12th में कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या बोलते हैं किसी एक रात को किसी दिन रिकॉर्ड कर लेता हूँ और वो अपलोड कर देता हूँ, समझ में आया? लाइव नहीं होता है वो, बस टॉप अप जैसा होता है वो। आगे चलूं? चलो, बहुत देर हो गया, हाँ मैं ऐसे ही बैठा था। तो देखो, तो इसलिए ना कुछ रिजल्ट्स हैं, तो तुम्हारे पास तीन रिजल्ट है एक्चुअली, दो रिजल्ट, एक ही रिजल्ट नहीं है। अभी तो तुमने एचएम का रिजल्ट देखा, वैसे ही एक रिजल्ट ज्योमेट्रिकल मीन के लिए भी है। ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिकल मीन्स इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू nth power of a single geometrical mean between them, मतलब the product g1 g2 से लेके gn तक between a and b is equal to the nth power of the single geometrical mean between a and b. तो single geometrical mean g, और g का value क्या था? root over ab। ऐसे ही तुम्हारे पास harmonic arithmetic mean के लिए भी है। अर्थमैटिक मीन में ये था फॉर्मूला, सम ऑफ एन अर्थमैटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू एन टाइम्स द सिंगल अर्थमैटिक मीन बिटवीन देम, मतलब a1 प्लस a2 कहां तक? an तक। क्या हो जाएगा ये? एन टाइम्स ऑफ ए, वेयर ए इज इक्वल टू क्या? सिंगल अर्थमेटिक मीन है तो ए प्लस बी बाय टू। लिखना है तो लिख लो, लंबा अच्छा डेढ़ मिनट का टाइम दे रहा हूं, कुछ डाउट है तो पूछो, एक सम करवाऊंगा अभी। सर बोलते जा। सर वो मतलब वो प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिकल मीन जो आपने दिया था, मतलब वो ए बी होल टू द पावर एन बाय टू होगा। हाँ हाँ, ए बी होल टू दी पावर एन बाय टू होगा, और ये हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ ए प्लस बी बाय टू, अगर ऐसा लिखना है तो। आगे चलूं? ठीक है, चलो। चलो निकलूं आगे। चलो, प्रॉब्लम द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड
इज इक्वल टू 15 इफ a कॉमा x कॉमा y कॉमा z कॉमा b आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाइल द वैल्यू ऑफ 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to 5 by 3 if ax, y, z, b are in harmonic progression. Find a cross b. 20 minutes sum likhne ke liye. Sorry, 20 seconds sum likhne ke liye. Find a, x, b. Find A into B. Find AB. शुरू करूं? अच्छा, तुम लोग को ऐसा लग रहा है क्या कि जब तुम A, X, Y, Z और B को AP में बोलोगे तो ये X, Y, Z जो है ये थ्री अर्थमेटिक मीन्स है या नहीं? Yes, sir. Between A and B. यही था या नहीं? ऊपर का जो फॉर्मूला मैंने दिया था ये अगर एपी में है तो क्या बोला था? सम ऑफ अर्थमेटिक मीन का कोई एक फॉर्मूला दिया था क्या? एन टाइम्स ऑफ ए प्लस बी बाय टू. तो इससे क्या मिला? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एन का मतलब थ्री टाइम्स ऑफ और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है? सर ए एक्स वाई जेड एचपी में बोला. हाँ बोलो सर. ए एक्स वाई और जेड और बी एचपी में बोला है? नहीं, दोनों है, दो है. अगर एपी में, पहले इस वाले में आया, ठीक है, मैं इस वाले में हूँ. दोनों ही है. एक्स वाई जेड सेम नहीं है. अगर एपी में होगा तो एक्स वाई जेड अगर है तो 15 इज इक्वल टू आया तुम्हारे पास थ्री टाइम्स ऑफ ए प्लस बी बाय टू. मेक इट नंबर वन. और क्या इंफॉर्मेशन है कि अगर ए एक्स वाई जेड और पी की बी किस में हो जाए? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में. तब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ है कितना? सॉरी, x प्लस वाई प्लस जेड नहीं, किसका वैल्यू दिया हुआ है? 1 बाय x. तो अगर ये हार्मोनिक मीन है तो क्या इसमें कोई फॉर्मूला था? थ्री हार्मोनिक मीन्स. तो मुझे लग रहा है कि अभी हम लोग ने देखा था 1 बाय x प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय z इज इक्वल टू ऊपर n था क्या? n डिवाइडेड बाय हार्मोनिक n 3 बाय h वेयर h इज इक्वल टू क्या था? y से b बाय क्या? a प्लस b. तो 1 बाय x 1 बाय y 1 बाय z का वैल्यू 5 बाय 3 है. तो इसलिए 5 बाय 3 क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय क्या? twice ab बाय a प्लस b. मगर यहां से क्या a प्लस b का वैल्यू निकल गया? a प्लस b इज इक्वल टू 10 निकल गया. तो हेंस इससे किसका वैल्यू निकल जाएगा बोलो? ए बी का. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दोबारा समझा रहा हूँ. जब ए एक्स वाई जेड बी ए पी में है तो इसका मतलब है ये तुमने तीन इंसर्ट किया है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक मीन है. तो अगर तुमने तीन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया तो मैंने ऊपर एक फॉर्मूला दिया था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड एन टाइम्स ऑफ ए प्लस बी बाय टू. आज के जीपी में, आज के टीबीएस में तुम्हें दो तीन सब मिलेगा, ध्यान से देखोगे. हाँ ठीक है, मतलब ये सब सब में बस क्या है कि तुम्हें फॉर्मूलाज याद रखना होगा और पुटअप करना होगा. तो ये तुमने पुट अप कर दिया, वैल्यू खत्म. वही अगर ये हार्मोनिक मीन है तो हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल के टर्म में फॉर्मूला था तो फिर मैंने वो पुट अप कर दिया. किसी को और समझना है तो समझो, कुछ पूछना है तो पूछो, लिखना है तो लिखो. डेढ़ मिनट का टाइम देता हूं. क्यों?
आगे निकलूं? सुनने में आ रहा है? यस सर। ठीक है, हाँ चलो। 9/2 है तो वो ठीक है, वो मुझे आंसर यहाँ पे नहीं है मेरे पास, 10/2 जो भी आया। ठीक है चलो आगे चलते हैं। In an AP with first term A and common difference D, A not equal to 0, D not equal to 0, the ratio R of the sum of first n terms to sum of n terms succeeding them does not depend upon n. Then the ratio A by D and ratio R respectively are option number A 1/2, 1/4, 2/1/3, 1/2, 1/3, 1/2/2। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सम को लिखो, समझा रहा हूं, सम का मतलब समझा रहा हूं, घबराओ मत, पहले सम को लिख लो। लंबा सम है, 30 सेकंड दे रहा हूं। एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, एक रेशियो दिया हुआ है, मगर वो रेशियो इंडिपेंडेंट है, एन के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, तो उसके बाद कुछ पूछ रहा है। चलो आगे, चलो सॉल्यूशन। तो क्या पूछा जाए देखें, तो एक एपी है विथ फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, और रेशियो आर क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। तो आर का वैल्यू जो है सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो वो कैसा दिखेगा, एस एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ द एन टर्म सक्सेडिंग देम। तो ये क्या कैसा दिखेगा, क्या ये एस ट्वाइस एन माइनस एस एन नहीं दिखेगा? मतलब क्या पूछ रहा है, क्या ये नहीं पूछ रहा है, किसी को डाउट है तो चलो। ए वन प्लस ए टू कहां तक, ए एन, और उसके बाद ए एन प्लस वन से ए एन प्लस टू से लेके कहां तक, ए ट्वाइस एन। तो इसे क्या लिख सकते हो, इसे अगर एस एन लिख सकते हो तो नीचे वाले को क्या लिख सकते हो, एस ट्वाइस एन माइनस एस एन, ये लिख सकते हो। yes. तो ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, एस एन का वैल्यू क्या था, एस एन का वैल्यू था एन बाय टू ट्वाइस ए प्लस कितना, एन माइनस वन डी। किसी को ये इसमें डाउट है, एस ट्वाइस एन होगा सर? ठीक है चलो, हाँ बोलो। मुझे मुझे डाउट है, एस ट्वाइस एन क्या होगा, मतलब सर, हाँ ट्वाइस एन आया कैसे, ट्वाइस एन आया कैसे, वो वाला चीज नहीं, वो मत सोच, ये क्या होगा ये सोच। एस ट्वाइस एन क्या होगा, ए वन ए टू से लेके कहां तक, एस ट्वाइस एन किसका सिंबल था, अगर एस एन किसका सिंबल है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, तो एस ट्वाइस एन किसका सिंबल होगा, सम ऑफ ट्वाइस एन टर्म्स, माइनस एस एन किसका सिंबल है, सर वही एन टर्म्स तक जाएगा, तो बच क्या जाएगा अगर माइनस करेगा तो, अच्छा क्या, ए वन कैंसिल,
a2 कैंसिल, an an कैंसिल, तो कौन सा टर्म बचेगा? कुछ बचेगा या नहीं? हाँ सर। क्या कहाँ से बचेगा? a2 बचेगा, केवल वही बचेगा जो डॉट डॉट लिखा, केवल वही बचेगा। a1 गया, a2 गया, an गया, क्या बचा? बचा क्या बोल सर? an प्लस वन वो सब जो है बाकी। तो क्या ये यही ये है नहीं ऊपर वाला? हाँ सर। ठीक है, मगर प्रॉब्लम कहाँ है तुम जानते हो? अगर ये चीज तुम्हें अभी ऐसा सोचना होगा तो ऊपर वाला सम नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऊपर वाला सम करने में नहीं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, चलो ठीक है, वो मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, इसे यूज ही नहीं करता हूँ, चलो ठीक है। मगर तब तुझे मुझे हेल्प करना होगा। इसका सम क्या होगा? एन बाय टू ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नीचे वाले का सम क्या होगा सर? वहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाय टू। कैसे होगा ट्वाइस एन बाय टू? तब तो फिर फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? एन प्लस वन से शुरू है ना रे? हाँ सर। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? ए एन प्लस वन से लेके ए ट्वाइस एन तक नंबर ऑफ टर्म्स ट्वाइस एन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे? मुझे तो लग रहा है यहाँ पे केवल एन नंबर ऑफ टर्म्स है। ए वन ओके बोलने से थोड़ी ना होगा कि मैंने बोला इसलिए होगा। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? यहाँ पे ट्वाइस एन तक है। क्यों तू ट्वाइस एन बोल रहा है? जान रहा है क्योंकि तुझे स्कूल में ये सिखाया गया कि लास्ट वाला देखो और वो टर्म हो जाता है। इसका मतलब है तेरा ये कहना है कि वन टू थ्री से लेके हंड्रेड तक कितने टर्म्स होते हैं? इसमें कितने टर्म्स हैं? हंड्रेड है। तो इसका मतलब है 99 और 100 में भी 100 टर्म्स हैं? नो। तो तू यही तो ऊपर बोल रहा है। अगर तुझे यहाँ पे ये बेवकूफों वाला सवाल लग रहा है तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? यहाँ पे n टर्म्स होगा। हाँ, तो तूने ट्वाइस n क्यों बोला? क्योंकि ब्रेन समझ में आया। देखो जब एक हायर लेवल में जाओगे ना तो तुम्हें अपने ब्रेन को समझाना होगा कि बेटा आंसर देने से पहले भैया पहले उसे सोच ले, क्योंकि तब तो इससे भी तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू भी यहां पे भी तो n by 2 लिख देगा। तो इस चीज को समझ, ट्वाइस n by 2 फर्स्ट टर्म क्या होगा? अब यहां का फर्स्ट टर्म क्या होगा सर? तो ये an plus 1, an plus 1 plus a ट्वाइस n, तो n by 2 कैंसिल हो गया। तो r का वैल्यू क्या आया? वो तो सॉरी मैं खुद ही गलती लिख रहा हूँ। हाँ, मैं जो चीज समझा रहा था वही मैं गलत लिख रहा हूँ, रुक जा। ये n by तरीका यार, ये n by 2 हो गया, क्या आया? a n plus 1 plus कितना? a twice n, ये और ये कैंसिल हो गया, तो r का वैल्यू क्या आया? a1 का वैल्यू a n plus 1 का वैल्यू a plus n minus 1 d divided by a n plus 1 a plus n d plus a twice n a plus twice n minus 1 d, very good। तो r is equal to twice a plus n minus 1 d divided by twice a plus n d plus twice n thrice n minus 1 d। This can be written as, चलो तो क्या कह रहा है? This must be क्या कुछ कह रहा है? This must be independent of, ठीक है, तो ये कब होगा? देखो, this can be written as twice a minus d plus n divided by twice a minus d plus thrice n d। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एन होने के लिए, फिर से कह रहा हूं, हाँ ध्यान से सुनो, इंडिपेंडेंट ऑफ एन होने के लिए इस एन को कैंसिल होना चाहिए, होना चाहिए। यस सर। ये कैंसिल कब होगा? अभी हो सकता है? नो सर।
नहीं होगा। मगर अगर ये टर्म जीरो हो जाए तो तब क्या कैंसिल होगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या a प्लस ट्वाइस एक्स बाय ए प्लस फाइव एक्स में क्या x कैंसिल होगा? नहीं। मगर ट्वाइस एक्स बाय फाइव एक्स में x कैंसिल होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? जीरो। तो मेरा कहना है ये n कब कैंसिल होगा, कब पॉसिबल है? लॉजिक समझ में आया? क्योंकि कह रहा है ये इंडिपेंडेंट ऑफ n तभी पॉसिबल है अगर अगर n विल कैंसिल आउट। और ये कब कैंसिल होगा? ये तभी कैंसिल होगा अगर ट्वाइस ए माइनस डी वाला जो है ये जो टर्म है ये टर्म रहे या वैनिश हो जाए? ये टर्म अगर वैनिश हो जाएगा तो हेंस दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या बोलो? जीरो। तो ट्वाइस ए इज इक्वल टू क्या? और अगर ये टर्म वैनिश हो जाएगा तो आर का वैल्यू कितना आ गया? तब एन डी बाय ट्राइस एन डी एन एन डी डी कैंसिल क्या आया? वन बाय थ्री। और ए बाय डी का वैल्यू कितना आया? वन बाय टू। वही पूछ रहा है क्या? 1/2, 1/3 लिखना है तो लिख लो। ऐसे सम्स तुम्हें ज्यादा मेरे सीट्स में मिलेंगे, ठीक है? तो करना होगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ नया चीज मैंने बताया नहीं है। हाँ हाँ, ये कैंसिलेशन वाला था इसलिए थोड़ा करवा दिया इस यहाँ पे। आगे चलो, आगे निकलूं? सर थोड़ा रुकिए, कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो। तो दिमाग को खुला रखना होगा, समझ में आ रहा है भाई? जैसे तुम थोड़ा सा अपर लेवल वाले सब में जाओगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मतलब डायरेक्टली सोचना, मतलब वो जो 3 सेकंड रुक के जो सोचा जाता है ना, वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर क्लास 10 तक मैक्सिमम टाइम तुम लोगों ने सीबीएसई टाइप के मैथ्स को ही किया हुआ है तो वो जो 3 सेकंड है वो सिखाता नहीं है इन जनरल इतना ज्यादा। वो सम देखते ही धड़ाधड़ करते जाओ, क्योंकि ज्यादा उसमें अंतर कुछ होता नहीं है, ठीक है? तो वो इंपॉर्टेंट है सम देख के, वो 5 सेकंड को रुक जाना, 3 सेकंड रुक जाना, 10 सेकंड रुक जाना, डिपेंड करता है सम के ऊपर कि सम कह क्या रहा है और तुमसे पूछ क्या रहा है। आगे चलूं? क्या ये समझ में आया, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन वाला लॉजिक? यस। तो एन वाला लॉजिक तभी, ये एन कैंसिल तभी होगा अगर बाकी के टर्म्स वैनिश हो जाएं। अब यहाँ भी ये खूबसूरत चीज है कि दोनों में सेम वैल्यू आ रहा है। हाँ ठीक है, अलग अलग वैल्यू आता तो हो सकता है कि आंसर नहीं होता, या कुछ ऐसा होता कि कॉमन वैल्यू ले लेते, कभी 1/2 प्लस माइनस 1/2 जो कॉमन रूट में होता था हमारे साथ। आगे निकलो, क्या बोलते हो? यस सर। चलो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम, द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी a1 a2 up to an इज 2। इफ द क्वांटिटी a1 a4 a5 इज मिनिमम, then find common difference. सम कोई लिखेगा? 20 seconds दे रहा हूं। आज मैं क्लास के बाद डाउट्स नहीं ले पाऊंगा। हाँ, मैं घर के अंदर बैठ के क्लास कर रहा हूँ आज। हाँ, घर से क्लास कर रहा हूँ। 6:30 मेरे कोचिंग सेंटर में क्लास है तो मुझे भागना होगा भी, हाँ, क्लास खत्म करके ही। इसलिए अक्टूबर से शुरू करूंगा तो बेटर ही होगा मेरे लिए। हाँ, वरना मतलब वो भागा भागम वाला जिंदगी हो गया है। एक ऑफलाइन क्लास खत्म करो, दौड़ दौड़ के ऑनलाइन क्लास करने जाओ।
मैं रहता हूं ऑलमोस्ट लोखरा साइड और इंस्टीट्यूट मेरा है कृष्ण बस्ती में. अ सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज टू इफ क्वांटिटी इतना इज मिनिमम फाइंड कॉमन डिफरेंस. खेला शुरू करूं रे? यस सर. चलो करता हूं. तो क्या दिया हुआ है? सिक्स टर्म दिया हुआ है, सिक्स टर्म टू दिया हुआ है. तो सिक्स टर्म का मतलब क्या हुआ? ए प्लस 5d, a प्लस 5x ही ले लेता हूं, 2. मैंने x को कॉमन डिफरेंस लिया है, ठीक है. तो इससे a आ गया 2 माइनस 5x. किसको मिनिमाइज करना है? एक प्रोडक्ट को मिनिमाइज करना है. किसको? a1, a4 और क्या, a5. तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a1 के बदले a, a4 के बदले a प्लस 3x और a5 के बदले क्या करूंगा? इसमें दो वेरिएबल है, क्या एक वेरिएबल को हटा सकता हूं? Yes, sir. A को 2 माइनस 5x दे रहा हूं, ठीक है. तो A को अगर मैं 2 माइनस 5x दूंगा तो P का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 5x, 2 माइनस 5x प्लस 3x, 2 माइनस 5x प्लस 4x. ब्रेक करना तुम्हारा काम है, मैं उसमें टाइम बर्बाद नहीं करूंगा. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तुम्हें मिलेगा 14 माइनस 6x प्लस 16x स्क्वायर प्लस 17x स्क्वायर माइनस 16x क्यूब. अब इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने का एक तरीका था, याद है? डिफरेंशिएशन तो इसका डिफरेंशिएशन. तो अगर मैं dp बाय dx करूंगा तो ये मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 16 प्लस 34x माइनस 48x क्यूब स्क्वायर होगा, ब्रेक स्क्वायर होगा. रुक जा, मैंने ब्रेकआउट गलत लिखा, इसीलिए ये माइनस 5x क्यूब है, माइनस 15x स्क्वायर, ठीक है. इज इक्वल टू जीरो करोगे, तुम्हारा काम है. x का वैल्यू दो आएगा, 2 बाय 3 और क्या. अब कौन सा मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है, वो देखने के लिए क्या बोला था, कुछ याद है? कोई बोलेगा क्या? फंक्शन में डाल के देखो, पी में डाल के देखोगे 2 बाय 3 का वैल्यू, पी में डाल के देखोगे किसका वैल्यू, 8 बाय 5 का वैल्यू डाल के देख लेना. ये वाला वैल्यू तुम्हें मिनिमम देता है. अगर ये मिनिमम देता है तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया? तो मिनिमम वो 2 बाय 3 के लिए होगा. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे. लंबा समय, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिखना है तो लिख लो. सर बोलते जा, सुन रहा हूं. सर मतलब आज सर मतलब मेरा टीबीएस का ही सिर्फ एक डाउट था सर, वो लास्ट आज एकदम नहीं हो पाएगा. मैं मुझे भागना होगा अभी क्लास खत्म करके, मैं बाद में देखता हूँ, ठीक है. ठीक है, मुझे भेज दे, मैं देखता हूँ अगर सॉल्यूशन करके भेज पाऊँ तो. हाँ टाइम, हाँ मगर आज एकदम नहीं हो पाएगा. 6 से 6:30 मुझे मतलब आधे घंटे में मुझे पहुंचना है, और वो क्लास 8:30 तक नहीं चलता है, 8:15 के आसपास छोड़ना होता है क्योंकि कर्फ्यू लग जाता है 9 बजे से. मत पूछो, हाँ मतलब टाइम का इतना कॉन्स्टेंट हो चुका है ना कि आगे निकलूं. ठीक है. यस सर. ठीक है, किसी ने रुकने बोला था, थोड़ा रुक भी जाता हूँ. लिखना है तो किसी को लिख ले. चलो एम जी एम इनइक्वालिटी. ए भी अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो अर्थमेटिक मीन जेमेट्रिकल मीन से बड़ा था, जेमेट्रिकल मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा था. अर्थमेटिक मीन होता था ए प्लस बी बाय टू, जेमेट्रिकल मीन होता था रूट ओवर ए बी,
और हार्मोनिक मीन होता था ट्वाइस ए बी बाय ए प्लस बी, और इक्वालिटी ऑकर करता था इफ क्वांटिटीज आर इक्वल। प्रॉब्लम इफ ए वन ए टू ए एन आर इन ए पी एंड ईच ए आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई, देन प्रूफ दैट समेशन ऑफ के इज इक्वल टू वन टू एन ए के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन डी टाइम्स ऑफ ए वन। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर चलते हैं आगे। सर वो ए आई ग्रेटर देन जीरो के बाद क्या है सर? फॉर ऑल आई, ये उल्टा वी इसका मतलब बोलता है, उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल। आगे निकलूं? बोल देना तो लंबा समय, ठीक है एक मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलो ये समेशन एके क्या होगा रे, क्योंकि ये तो हम जानते हैं समेशन, ये तो जानते हैं एके का मतलब क्या हुआ, ये हुआ ए वन प्लस ए टू कहां तक ए एन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एन बाय टू इंटू क्या ए वन प्लस ए एन, मगर क्या क्वेश्चन केवल ए वन के टर्म में है या आसान समय है? क्या इसमें ए एम जी एम लग सकता है, हाँ या ना? अगर ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए वन प्लस ए एन बाय टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या A1, A1. तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा तब एन बाय टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या, तो व्हाट टू एक रहेगा कहां पे वो टू रूट ओवर ए वन ए एन होगा जो सर वो एन एन बाय टू के बाद और एक था। ओह सॉरी सॉरी वो डिवाइडेड बाय टू ऑलरेडी यहाँ पे है इसीलिए ये टू। हाँ इस गेर्डन इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बाय टू इनटू क्या टू रूट ओवर ऑफ क्या ए वन ए एन, मतलब ए प्लस बी इज ऑलवेज गेर्डन इक्वल टू टू रूट ओवर ए बी। हाँ तो दिस इज इक्वल टू एन इंटू क्या रूट ऑवर ऑफ ए वन ए एन, ए एन गायब है ए एन के बदले क्या कुछ डाल सकते हो, हाँ क्या डाल सकते हो ए वन इंटू क्या ए प्लस एन माइनस वन डी। ध्यान से देखो ये वही एक्सप्रेशन है नहीं, ये वाला एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है नहीं, ध्यान से देखना। तो एन टाइम्स ऑफ तो यही तो प्रूफ करना था ए वन स्क्वायर प्लस क्या एन माइनस वन इंटू क्या ए वन डी, तो खेला खत्म। ठीक है तो इसीलिए आपसे ना हर समय डिवाइडेड बाय टू का जरूरत नहीं है, जब भी तुम्हें ए प्लस बी मिलेगा वी ऑलवेज लाइज टू ए बी लिखेंगे। हाँ मगर ए बी का पॉजिटिव होना जरूरी है, उस चीज को याद रखोगे। किसी को लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलेंगे, कहीं डाउट है तो पूछो। सर पता कैसे चलेगा, अरे वो पता चला ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कितने टर्म, दो टर्म तुम्हें मिल गया है क्या, वो ए वन ए एन मिल गया तो इसलिए ये लगा दिया, तो इस टर्म में याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल में।
आगे चलूं सर बोलते जा सर वो आपने इक्वल टू सिंस मतलब n by 2 into 2 उसके साथ ही किया है ना इक्वल हाँ ये इसके साथ इक्वल टू क्या मतलब देखो इनइक्वालिटी में तुम ये लिख नहीं लिख सकते हो क्या देखो ना उसमें कईयों को डाउट होता है थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर इज इक्वल टू टू स्क्वायर नहीं क्या तो भाई तो ये टू स्क्वायर तो फोर के साथ ही आएगा ना तब आगे चलू मैं चलो प्रॉब्लम लेट पी क्यू आर एंड एस बी फोर पॉजिटिव नंबर्स सच दैट पी क्यू आर एस इज इक्वल टू वन देन लीस्ट वैल्यू ऑफ वन प्लस पी वन प्लस क्यू वन प्लस आर वन प्लस एस इज इक्वल टू ए फोर बी सिक्सटीन C64 D256 आसान सब कसम एक बार लिख लो 20 सेकंड देता हूं निकलूं अगर तुम a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ओवर ए बी लगाते हो तो क्या वन प्लस पी में कुछ लगा सकते हो वन प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा टू इंटू क्या रूट ओवर पी होगा या नहीं क्योंकि पी क्यू आर एस सब पॉजिटिव क्वांटिटी है सर आपने ये क्यों लगाया अरे दिखने से पता चल रहा है मुझे पी क्यू आर एस चाहिए कब मिलेगा वन प्लस क्यू किससे बड़ा होगा टू रूट ओवर क्यू से वन प्लस आर किससे बड़ा होगा टू रूट ओवर आर से और वन प्लस एस किससे बड़ा होगा टू रूट ओवर और इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा तब वन प्लस पी इंटू क्या वन प्लस क्यू इंटू क्या वन प्लस आर इंटू कितना वन प्लस एक्स किससे बड़ा होगा टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन इंटू रूट ओवर ऑफ क्या पी क्यू आर एस मगर क्या पी क्यू आर एस का वैल्यू दिया हुआ है सब में वन दिया हुआ है तो इजिकल टू क्या हो गया ये 16 तो एक्सप्रेशन हर समय 16 से बड़ा है एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा तब 16 किसी को डाउट है तो बोलो आगे चलूंगा नहीं तो सर मैक्सिमम नहीं निकाल सकता हूं मैक्सिमम नहीं निकाल सकता हूं मिनिमम निकाल सकता हूं सर वन प्लस पी में क्यों लिया वो दिखने से लग रहा है यार वन प्लस पी वन प्लस क्यू वन प्लस आर वन प्लस एस तो दो दो में लगाना है वो तो दिखने से ही पता चल रहा है कि हाँ यही टर्म में लगाना होगा आगे चलूं चलो सर बोलते जा सर वन प्लस क्यू वर्क बस समझने में क्या कौन सा वन प्लस लाइन नंबर 17 हाँ क्या मतलब वन प्लस पी क्यों लिया हाँ क्योंकि क्वेश्चन में क्या निकालना था किसका मिनिमम वैल्यू एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन क्या है वन प्लस पी इंटू वन प्लस क्यू मतलब एक्चुअली में अगर तुम लोगों ने लिख लिया तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि सम को ऐसे करने का जरूरत ही नहीं है सम डायरेक्टली ऐसे होता है ठीक है सम डायरेक्टली ऐसा होता है कि तुम जानते हो कि ए प्लस बी किससे बड़ा होता है किस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है
अब इस वाले अच्छा मगर वैल्यू किसका दिया हुआ है पी क्यू आर एस का, तो पी क्यू आर एस लाने के लिए अगर मैं ये सब में ए एम जी एम लगा दूं तो मुझे डायरेक्टली बोलोगे क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं इस वाले में लगाऊंगा तो ये किससे भरा होगा पहले वाला टू रूट आवर ऑफ क्या इन टू टू रूट आवर ऑफ क्या इन टू टू रूट आवर ऑफ क्या इन टू टू रूट आवर क्या, तो क्या मिलेगा ये पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस का वैल्यू वन है तो इजिकल टू क्या मिला 16, सम ये है, आया समझ में? आप पूछ क्या पूछ रहे हैं? ना हो गया सर, समझ में आ गया। ठीक है, मतलब ये सब हम लोगों ने किया हुआ है, मुझे मालूम है कि हम लोगों ने ऐसा सम किया हुआ है कि अगर इफ y इज इक्वल टू 16 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x फाइंड y का मिनिमम, याद है? क्या कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है नॉर्मली हम लोग AMGM कब लगाते थे, जब चीजों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, तो यहां पे क्या चीजों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट था देखो, हाँ तो यहां पे अगर मैं AMGM लगा दूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि a प्लस बी हर समय 2 रूट ऑवर ab से भरा होता है, तो y हर समय किससे भरा हो जाएगा, तब 16 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x हर समय किससे भरा हो जाएगा 2 इंटू रूट ऑवर ऑफ क्या 16 tan स्क्वायर x इंटू कितना 9, तो 16 और 10 तो कैंसिल हो गया, तो y हर समय किससे भरा हो गया 2 इंटू रूट ऑवर ऑफ 16 इंटू 9 तो इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 4 इंटू 3 4 3 12, तो y का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा तब 24, समझ में आया? अगर मैं तुमसे कभी ये पूछता y का वैल्यू 4 sec स्क्वायर x प्लस 9 cos x स्क्वायर x और y का मिनिमम निकालो, क्या करोगे? क्या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो रहा है? नहीं। तब क्या करोगे? एक तरीका था, sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर x, cos x स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? क्यों लिखा ये? कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि तब y का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 प्लस कितना 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cos स्क्वायर x, और केवल इस वाले में अगर AMGM का इनइक्वालिटी लगा दोगे तो ये किससे भरा आएगा, इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 प्लस 2 इंटू रूट आवर ऑफ क्या 9 4 जा 36 इंटू कितना 10 स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पे AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगा रहा हूँ, तो ये कैंसिल हो गया, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 प्लस क्या 2 इंटू 6, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? हाँ सर, चलो। तो थोड़ा बोर करता हूं, ये वाला सम 4 साइन स्क्वायर एक्स तो ये छोड़ दूं? क्या यूज करोगे? a प्लस b गेट इन इक्वल टू 2 रूट ओवर ab, और इक्वालिटी का वॉकर करेगा, क्योंकि तुम देखो, तुम अब मेरा कहना है कि बार बार वो भी करने का जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली बोल सकते हो a प्लस b हर समय 2 रूट ओवर ab से भरा होगा, तो इसलिए मुझे डायरेक्टली बोलो y का मिनिमम क्या होगा, होगा या नहीं 2 रूट ऑवर ab, तो इसलिए 2 इंटू रूट ऑवर ऑफ a के बदले 4 साइन स्क्वायर x प्लस इंटू क्या हो गया 9 साइन cos x कैंसिल हो गया, तो 2 4 9 जा 36 2 6 जा 12। अच्छा ये होगा कब? इक्वालिटी कब वॉकर करेगा? कुछ बोला था क्या मैंने? जब क्वांटिटी इक्वल हो, तो इक्वालिटी वॉकर करेगा अगर
फोर साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो गया, नाइन कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ये कब ऑकर करेगा जब ये इस साइड आ गया तो क्या हो गया साइन टू डी पावर फोर एक्स इज इक्वल टू क्या बोलो नाइन बाय फोर। कुछ अजीब लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है यहाँ पे, नाइन बाय फोर किससे बड़ा होगा, वन से बड़ा, वन से बड़ा ये पॉसिबल नहीं है सर। आपने ऊपर नहीं देखा, नहीं टेन कॉट में देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि टेन और कॉट का रेंज कहां से कहां तक था, माइनस इनफिनिटी, तो उसमें क्या, तो साइन में एक रिस्ट्रिक्शन है इसके लिए। हाँ ये अगर उल्टा होता ना तब ये वाला चीज सही हो जाता, सम अगर ये होता नाइन कॉसेक्स सॉरी नाइन, यही सेम सम अगर ऐसा होता नाइन साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर कॉसेक्स स्क्वायर एक्स, तब तुम ये बात सही बोलते कि वाई का मिनिमम जो होता वो क्या हो जाता टू रूट ओवर ए बी मतलब ट्वेल्व, और कब होता व्हेन जब नाइन साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू फोर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स मतलब साइन टू डी पावर फोर एक्स इजिकल टू फोर बाय नाइन, ये पॉसिबल है, समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है मगर ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू कभी लेगा ही नहीं, ये इनकरेक्ट है। तो सर क्या करेंगे, नहीं तुम्हें इसलिए एएमजीएम में हर समय ये चीज ध्यान देना होगा कि इक्वालिटी ऑकर कर सकता है नहीं, ये चीज हर समय ध्यान देना, हाँ ये रॉन्ग मेथड है। तो सर क्या करेंगे, तब तो वी हैव टू गो टू आवर ओल्ड मेथड ऑफ गेटिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो इट, दैट इज नोन एज साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स को टी ले लेता हूं तो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, फोर टी प्लस कितना नाइन बाय टी, और टी कहां से कहां तक कोई बोलेगा, क्योंकि जीरो से वन, याद आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे वी कैन नॉट अप्लाई, बिकॉज वी कैन नॉट अप्लाई, वी कैन नॉट अप्लाई एएमजीएम, so we will use differentiation, to kya milega dy by dt 4 minus 9 by t square, critical point kya milega, yaad aa raha hai, dy by dt is equal to kya 0, to t square equal to 9 by 4 magar t positive hai isliye t ka value kya aaya 3 by 2, magar ye possible nahi hai, kyon ठीक है, तो वैल्यू केवल कहां कहां निकाल के देखोगे, नाउ एट केवल एंड पॉइंट, तो निकालो जीरो में कितना वैल्यू निकला इसका, इन्फिनिटी, ठीक है कोई पंगा नहीं है, इसका कौन सा वैल्यू होगा मैक्सिमम, और वन में क्या वैल्यू निकला, वन में फोर प्लस नाइन थर्टीन, ये इसका क्या वैल्यू होगा बोलो मिनिमम, तो क्वेश्चन क्या पूछा था कुछ कुछ मैंने लिखा ही नहीं था, तो एंस y मिनिमम मिल गया कितना 13। इसलिए डिफरेंशिएशन कई बार अच्छा मेथड है क्योंकि डिफरेंशिएशन में दो चीज का फायदा होता है, डिफरेंशिएशन तुम्हें दो चीज एक साथ ही निकाल के दे देता है मिनिमम भी और मैक्सिमम, मगर एएमजीएम का इनइक्वालिटी तुम्हें केवल मिनिमम निकाल के देगा, मगर सीखना है रे एएमजीएम, ये नहीं कि हर जगह डिफरेंशिएशन लगा, ऊपर हर जगह डिफरेंशिएशन लगा सकते थे, हाँ एएमजीएम लगाओगे, हाँ प्लीज जब एएमजीएम कर रहे हो तो एएमजीएम लगाओगे, जहां नहीं लगा पाओगे वहां पे तभी सीखोगे, हाँ ऐसा एक नया चीज है, पुराना चीज बेटर लगता है तो वही लगाते रहते हैं, वो अच्छा लॉजिक नहीं है। किसी को लिखना है तो लिख लो, हाँ लेकिन एग्जाम के पर्पस से सर ये ज्यादा डिफरेंट, तब तो डिफरेंशिएशन ज्यादा बेटर है अगर आसान समय, समझ में आ रहा है, तुम अगर एग्जाम के पर्पस में बोलोगे तो मैं तो डिफरेंशिएशन नहीं यूज करूंगा, मैं डिफरेंशिएशन को हर समय अच्छा मानता हूँ, उसका एक और रीजन है, हम बोर्ड लेवल में भी डिफरेंशिएशन क्लास 12 में सीख जाएंगे मैक्सिमम, ये बोर्ड लेवल का समय है क्लास 12 का, आगे चलूं, तो यहीं पे छोड़ता हूं क्योंकि अब मुझे और एक नया थ्योरी सिखाना है, ठीक है, वो थ्योरी तीन से ज्यादा वाले में भी एएमजीएम लगता है, मगर मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है, तो मुझे जाना भी है तो चीजों का मैं आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो फिर मैं ये अभी पीडीएफ अभी भेज दे रहा हूँ, हाँ तो अननेसेसरी यहाँ रुक के फायदा नहीं है, मैं निकलता हूँ तो, हाँ।
क्योंकि 6 बजे के आसपास गणेशगुरी में बहुत जाम होता है। अब ज्यादा दिन का बात नहीं है ये, घबराओ मत, क्योंकि 1 तारीख से जब खुलेगा तो और 2-3 क्लास ही है ऐसा करना। अभी क्लास 12th का क्लास है एक्चुअली। वहां पे एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन। चल निकलता हूँ मैं, हाँ ठीक है, चलो ये भेज दिया है, हाँ सीट भेज दिया, किसी ने नहीं लिखा है तो वहां से लिख लेना जी, ठीक है। टीबीएस आज या कल में मिल जाएगा, हाँ थैंक्स, चलो।